लाइन में स्ट्रगल कर रहे हैं। मेरा नाम श्रुति है, मेरे किरदार का नाम श्रुति है इस पिक्चर में, जो कि एक स्ट्रगलिंग फैशन डिज़ाइनर है। श्रुति जो है बेचारी, उसके पास ना ही पैसा है, ना ही उसको कोई प्रमोट करने वाला कोई है। वो खुद के कपड़े डिज़ाइन करती है, खुद ही अपने लिबास पहनती है, और जिस भी जो भी बुटीक उससे कपड़े खरीदती है वो अपने लेबल लगा के उसके कपड़ों को 20 गुना ज़्यादा दामों में बेचती है। सो बेसिकली शी इज़ अ स्ट्रगलर, शी इज़ अपसेट कि लाइफ में कुछ नहीं कर पा रही है। उसका एक ही सपना है कि आम इंसान के लिए डिज़ाइन करे, उनके लिए खूबसूरत लिबास डिज़ाइन करे, एंड वो यही सपना पूरा करना चाहती है। वेल, आउट एंड आउट कॉमेडी है, एंड आई थिंक दैट शुड बी इनफ फॉर पीपल टू वॉच। लेकिन ये रियल लाइफ सिचुएशंस पे आधारित है कॉमेडी। लोगों के स्ट्रगल को एक लाइटर तरीके से दर्शाया गया है, एंड बहुत से लोग कहीं ना कहीं किसी ना किसी किरदार से अपने आप को ज़रूर जोड़ पाएंगे, क्योंकि ये इस किस्म की कॉमेडी है जो कि अपनी ज़िंदगी को एक हल्के फुल्के तरीके से देखने दिखाती है, अपनी खुद की ज़िंदगी को, एंड दैट इज़ द गुड थिंग अबाउट इट। जहाँ तक मेरे किरदार का सवाल है, एक ऐसी लड़की थी जो मैंने कभी प्ले नहीं की थी, एक स्ट्रगलिंग फैशन डिज़ाइनर। मेरी जो लुक है इस फिल्म में काफ़ी सिंपल, काफ़ी नो मेकअप सांस मेकअप लुक है, क्लोथ्स आर वेरी नाइस, एंड द फैक्ट दैट ये एक ऐसी लड़की है जो कि कुछ कर दिखाने मांगती है, और करके दिखाती भी है, कैसे करती है वो आपको फिल्म देखने पर पता चलेगा। एंड दैट्स वॉट आई लाइक्ड, कि मेरा कैरेक्टर जो था इट हैड अ मैसेज फॉर पीपल, कि अगर आत्मविश्वास हो अपने और खुद पे यकीन हो तो कुछ भी पॉसिबल है। जहाँ तक कैरेक्टर के स्ट्रेंथ का सवाल है, इट मैचेस टू क्वाइट एन एक्सटेंट, बिकॉज आई एम अ वेरी हाईली सेल्फ रिस्पेक्टिंग वूमन। मैं अपने आप पे बहुत विश्वास रखती हूँ, आई बिलीव इन माई सेल्फ, एंड वही चीज़ श्रुति में देखने को मिलेगी। अदरवाइज श्रुति इज़ वेरी डिफरेंट फ्रॉम सेलिना जेटली। एक्टर्स को देखना ही परफॉर्म करते हुए अपने आप में एक बहुत बड़ी तालीम है, एंड वो ज़रूर मुझे उसका तजुर्बा हुआ है शूटिंग के दौरान। हर दिन ही मेमोरेबल था, हमारी काफ़ी अच्छी फ्रेंडशिप हो गई आपस में, हम लोगों ने खूब इन्जॉय किया, एंड इट वॉज़ अ गुड एक्सपीरियंस। मेरे लिए तो गणेश जी हमेशा मास्टर जी ही रहेंगे, इज़ अ कोरियोग्राफर, ही ऑलवेज रिमेन अ कोरियोग्राफर, एंड आई विश हिम ऑल द बेस्ट फॉर दिस फिल्म। एज अ डायरेक्टर तो बेस्ट वुड बी द ऑडियंस विल बी द जज ऑफ दैट हाउ ही इज़, क्योंकि हर आई वुड ओनली से गुड थिंग्स अबाउट हिम, बट द मेन जज इज़ द ऑडियंस एंड द जनता, जो कि पिक्चर देख के विल डिसाइड अल्टीमेटली। No, there is no item song in the movie Picturized on Me. There are two songs Picturized on Me which you will see. To watch more, log on to www.erosentertainment.com.